जब से यह कोरोना रूपी आपदा ने देश को घेरा है, वहीं इस कोरोना रूपी आपदा में महंत रविंद्रपुरी जी ने हरिद्वार के रहने वाले हरिद्वार वासियों के लिए नियमित रूप से इस आपदा के समय निरंतर मदद की है और यह मदद का सिलसिला नियमित रूप से चलता आ रहा था। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, यह कोरोना आपदा आई, तब से ये राशन, भोजन या प्रशासनिक सहयोग का सिलसिला नियमित रूप से जारी रहा। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हरिद्वार कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत जी की महंत रविंद्रपुरी जी से वार्ता के अनुसार आज तीनों अनि अखाड़ा, अखाड़ों दिगंबर, अनि और निर्मोही अखाड़े के लिए महंत रविंद्रपुरी जी द्वारा राशन की व्यवस्था की गई, जिसमें 15 कुंटल आटा, 15 कुंटल चावल, 1.5 कुंटल चीनी, 1 कुंटल दाल और 3 रिफाइंड के टींड स्वयं महंत रविंद्रपुरी जी ने अपने माध्यम से ले जाकर मेला अधिकारी दीपक रावत जी के माध्यम से वैरागी कैंप में, अखाड़ों में वितरित कराया। यही नहीं, महंत रविंद्रपुरी जी द्वारा और भी मदद का आश्वासन इन अखाड़ों को दिया गया। मेला अधिकारी दीपक रावत जी का कहना है, जब से यह कोरोना आपदा शुरू हुई, महंत रविंद्रपुरी जी के माध्यम से मदद का सिलसिला उसी समय से और उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन ये लॉकडाउन शुरू हुआ था। राशन के माध्यम से हो, भोजन के माध्यम से हो या प्रशासन को सहायता के माध्यम से, नियमित रूप से महंत रविंद्रपुरी जी इस आपदा में लोगों के साथ खड़े रहे। भोजन हो, राशन हो या अन्य कोई भी कार्य हो, महंत रविंद्रपुरी जी ने दिल खोलकर इस आपदा के समय लोगों की मदद की। और ऐसा ही दीपक रावत जी ने कहा कि मेरी वार्ता के अनुसार इन तीनों अखाड़ों के लिए भी राशन की व्यवस्था कर महंत रविंद्रपुरी जी स्वयं मेरे साथ आकर यहाँ पर लोगों को राशन वितरित करा रहे हैं। महंत रविंद्रपुरी जी ने दीपक रावत जी के साथ मिलकर लोगों को राशन वितरित किया और उनको अन्य मदद का भी भरोसा दिलाते हुए कहा, यदि अन्य कोई मदद की भी आवश्यकता होगी तो अखाड़े या मनसा देवी ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की मदद की जाएगी। और यही नहीं, महंत रविंद्रपुरी जी का कहना है, आपदा के समय जो भी कार्य हुआ वो माँ मनसा देवी के आशीर्वाद और गंगा मैया की कृपा से यह सब कुछ संभव हो पाया। और साथ ही आज हरिद्वार भी ग्रीन जोन में आ गया और इसको आने का श्रेय हरिद्वार वासी और प्रशासनिक लोगों को कहते हैं। उन्होंने जिस प्रकार लोगों को इस आपदा में बांध कर रखा और लोगों की मदद करी, जिससे हरिद्वार आज ग्रीन जोन में पहुंच गया। सर, आज कुछ अणियों की मदद की गई है, तो इसका प्रयोजन क्या है और उद्देश्य क्या है? देखिए, बैरागी कैंप में हमारी तीनों अड़ियाँ यहाँ पे निवास करती हैं और कल मुझे पता चला कि कुछ यहाँ पे खाद्यान्न का संकट है, तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया और महाराज जी ने सहर्ष निवेदन को स्वीकार किया। और मैंने ये भी यहाँ पे निवेदन किया कि पुनः कभी भी अगर किसी प्रकार का इस तरह से दिक्कत आए तो हम आगे भी इस तरह का लगातार हम सेवा करते रहें। क्या क्या सामान प्रदान किया गया है इसमें? जो ड्राई राशन में चावल भी है, इसमें गेहूँ भी है, तेल भी है और चीनी भी। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है, लोग बाग बड़े परेशान भी हैं, तो ऐसे में अन्य लोगों की मदद के लिए क्या प्रयास किया है? देखिए, इसमें हरिद्वार में अच्छी बात ये रही कि काफ़ी हमारा जो साधु संत समाज है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, आप लोगों ने बहुत खुल के आगे बढ़ के मदद की है इसमें। लेकिन अभी इस बीच जो मुख्य संकट मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो प्रवासी वापस आ रहे हैं और भल्ला कॉलेज में या अन्य क्षेत्रों में, तो जिस दौरान वो यहाँ पर रुके हुए हैं उसमें खाने पीने का कुछ संकट है, तो हम लोग एक बफर बनाया हुआ है और बाकी भी हमारी जो कंपनीज उनसे भी हम टच में हैं, आगे भी इस तरह से हम खाते हैं, उपलब्ध कराते हैं। ठीक सर, शुरू हुआ है निरंतर लोगों की मदद की, तो आज इन अणियों की मदद की क्या क्या प्रदान किया गया? मुझे रात को साहब का फोन आया था, साहब हमारे मेला अधिकारी, साहब का फोन आया कि भाई वहाँ जो महात्मा परेशान है, तो उसके बाद क्या हुआ, 15 क्विंटल आटा, 15 क्विंटल चावल, 1.5 क्विंटल चीनी और जो भी कोई सामान है, सब सामान साहब के आदेश से हम जान रहे हैं, बस ये सब साहब का आदेश था इसलिए।
अब लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है, तो क्या निरंतर ये सेवा जारी रहेगी? सेवा तो हमारी जारी रहेगी, बाकी हमारे साहब जैसे भी आदेश करेंगे वैसे आगे। ठीक।